सो गाइस अभी हम जिस जगह पे हैं, इस एरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और इन्होंने उठा दिया सुबह में 5 बजे। अब यहाँ से हमने चेकआउट कर लिया, अभी जस्ट नहा के निकले, बिल्कुल चेकआउट कर लिया। और रात को हम सोए थे 3 बजे, 3 बजे अराउंड सोए थे और सुबह सुबह 5 बजे इन्होंने उठा दिया। 2 घंटे सोए, आंखें बिल्कुल रेड रेड हो रही हैं, नींद पूरी नहीं हुई। मैं तो दर्शन करके गाड़ी में सोता हो जाऊंगा। अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने, दिखाऊंगा दर्शन करने की वीडियो मंदिर में जाने के बाद। ये फ़ोन में तो चार्जिंग पर लगा दियो, ये कुनाल अपना असला बार देते हुए ये ले, दे दियो चार्जिंग पर लगा दे फ़ोन। सर मैं नहीं आती, कैसे बैग तो साथ लें दे। शूज तो डालने का फायदा है नहीं, उतारने पड़ेंगे। ये गाय को खिला दियो, बैग तो टेक दूं, जल्दी रख। असला बारूद है, टूट जाएगा तेरा। ये भाई ये कंडक्टर ही गिरी करवाओ, मेरा बैग लग रहा है, करना मत, मेरा बैग ही लग रहा है। कुछ ना कुछ तो ऑर्डर है, हुआ नहीं इसलिए थोड़ा कमजोर व्यक्ति है, बात नहीं। हटे कटे हम कमजोर से चलाओ, हाँ चलो आ जाइए। अच्छा यही है, ये राजस्थान की गलियाँ, यहाँ से मंदिर से दो कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा अच्छा ओके, श्री श्याम मस्ताना धर्मशाला, हर गली में धर्मशाला है ना, ये भी धर्मशाला रेडी हो रही है, इसलिए बना रहे हैं धर्मशाला क्योंकि वो भक्त बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए और बन जा। कुणाल ले ले भाई प्रॉपर्टी यहाँ थोड़ी बहुत। पापा को फोन कर दो जल्दी आ जा, बस प्लॉट खरीदना है, पैसा बहुत है, है कुणाल देरी है बस खरीदने की। तुझे मैं हाँ सही जा रहे होंगे, सही जा रहे काट ऐसा कर, वो अपनी आंख बंद कर, खोल के रखियो और कभी वो भी बंद कर ले, ठीक है। और जो तेरे मन में कहाँ है भाई साहब, यहीं से, ये बात कहीं से देख ले, वही काम आया दोबारा ना, दोबारा एक बार और आगे से आवाज मार देंगे भाई साहब, भाई साहब बुड्ढे को भी दूँ कर देता हूँ, मगर ये ताऊ हमें बता रही है धर्मशाली का रास्ता ऊपर से तो हम या मंदिर है अरे हर धर्मशाला के पीछे मंदिर होता है, खा ले इतने सरकारी छुट्टी देते पता होता क्या? नहीं इसका पापा कह रहा था अगर मैं उस दिन सो जाता तो कितना रह बढ़िया रह जाता, क्यों नहीं सोया मैं उस रात। मैंने कहा भाई तेरी गलती है, वो भुगत पूरी जिंदगी। तेरा वो बताए क्या सोचा था, बोलो बोल दे, एडिट मना करनी है वीडियो। कुछ मर्जी बोल दे, बोल ना रेंट दे, आगे करेंगे, आगे करेंगे बाद में, ठीक है बनाऊं इस साइड में ही है। मैं तो कुणाल को कह रहा था 17 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं ना, हाँ पैर सूज रहा है 17 किलोमीटर पैदल चल के आना ठीक रहता है भाई, हम सुबह तक पहुंचते ना अगर चल के आते तो। क्यों रास्ते में खाना वाना खाते फिर सुबह हो जाती, गोविंद भाई ना 17 किलोमीटर वो चक्कर हम लगाते रहे हमारे वहां खड़े थे ना, कौन है चक्कर में आंख बिल्कुल रेड रेड होगी, 2-3 घंटे सोए ना, मैं तो गाड़ी में सोता हुआ जाऊंगा ऐसे करेंगे।
नवीन ब्रो इतनी टेंशन कौन ले रहा है कि तेरे कौन में पड़ा रहोगा कौन में काटू करा काटू के बारे इज्जत कर ले काटू शाम है काटू शाम गोविंद भाई को यार मंदिर में इतना ज्यादा क्राउड हो चुका है 7:30 बजे आने के बाद भी गंदी का गंदी पुराना खेरी था कुनाल कह रहा वहां तक जाना पड़ेगा घूमते घूमते हाँ देख ऐसे जाना पड़ेगा वहां तक बिल्कुल एंड तक सब घूम ही रहे हैं थोड़ी स्पीड में हाँ वहाँ तक ऐसे घूमते घूमते जाना है और कुनाल कह रहे हैं सारा खर्चा इन्होंने ग्रिल में कर रखा है ग्रिल में ही खर्चा हो गया सारा किसमें हाँ वो तो है ही आज मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे और आएंगे भी ऐसे क्या आएंगे भी ऐसे नहीं वहाँ से एग्जिट होना है नवीन ब्रो आएंगे भी ऐसे कह रहे आएंगे भी ऐसे ये सब जाने के लिए है एग्जिट राइट रोड से हो जाएगी वहीं से चप्पल दोबारा वो लेने के लिए फिर से आना पड़ेगा चप्पल नहीं खरीदेंगे तू तो खरीद लेगा तेरी चप्पल तो ऐसी है भाई घूमते रहो फिर घूम जाओ शॉर्टकट लिया क्या सीधा कैसे कैसे ऐसे मेरे ख्याल से ग्रिलों में नहीं गए थे इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे अच्छा ऐसे कैसे सीधा अच्छा बाप कर बंद कर रखा होगा ना कबूतर मरा क्यों पड़ा है मुगल का मर रहा है अभी यहाँ से बना इसकी बना शाम आते हुए हम जा रहा है हर्ष गोविंद भाई नवीन ब्रो यहाँ ऐसा लग रहा है सारा खर्चा ग्रिल में ही किया गया है गोविंद भाई को दिखा दे थोड़ा क्या गोविंद भाई अभिषेक पहचान लेगा गोविंद भाई अभिषेक लाइव है स्माइल दांत वाली स्माइल हमने पूरी मेहनत करी आज अभी देखते हैं कितनी दूर तक चलना है हमें बाद में लेंगे आगे चलो इधर आ जाओ अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और दर्शन वगैरह हो गए हैं और 8 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना पहले लास्ट टाइम हम आए थे तो हम 11 बजे लाइन में लगे थे तो इतना नहीं था और मतलब कि उस टाइम भीड़ थी मुझे लगा अभी 8 बजे इतनी भीड़ नहीं होगी बट 8 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जल्दी जल्दी भेज रहे थे और अभी और जो गोविंद भाई वगैरह हैं वो तो अंदर हैं अभी और हमने एग्जिट ले लिया अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं उसके बाद चलते हैं देखते कहाँ जाना है
अंदर चलते हैं, अंदर चले। किसी के अंदर रहेगी गंदी इतनी होगी। हर बार हम इसी शॉप पे आते हैं ना। आ गए हम शॉप पे। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। गाड़ी के लिए ले रहे हो? मंदिर के लिए। मंदिर के लिए भाई साहब इतना वजन इसमें रखो, क्योंकि अभी जा ला जा दे। ताजा है, पकने में टाइम लगेगा इसको, समझ गया। है नहीं शॉप पे कोई? तेरी बॉडी धोना पड़ेगी। बनवा यहाँ फिर थोड़ा बहुत ठीक बना रहे हैं जो वहाँ पर ना पाने। वहाँ ट्राइंगल का सर्कल बना रहे हैं। ये भी हमारी गाड़ी कोई मार्केट में गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके दर्शन करने चला गया और सब पूरा जाम लग गया सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। दिखा दे, और हम भी आधे घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। हाँ बैग लाओ, लाओ बैग, आप लो, आप लो। अरे ले आऊंगा मैं तो। फाइनली हर्ष जा रहा है गाड़ी लेने के लिए। देखो यो, ये भाई ड्राइवर भाई साहब बैठ चुके हैं। ये देखे स्माइल, जैसे अभी अभी उठे हो। चुप हो जा, रुक जा। राइट से ठीक है भाई, थैंक यू। सो गाइस अभी दर्शन वगैरह हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, और अभी हम जा रहे हैं मतलब जिस काम के लिए हम आए थे, किसी कुछ बंदों से मीटिंग थी, मीटिंग के लिए आए थे हम, और अभी सीधा जा रहे हैं तुरंता से। वो जो हमारे साथ है भाई, उनको पिक करेंगे और फिर चलेंगे वहाँ जहाँ हमने मीटिंग वगैरह करनी है, जिस बंदों से मिलना है। पेट्रोल हो गया गाड़ी में ख़त्म, सारे खाली क्यों छोड़ रखे हैं? खंडो टाइप से किराए पर नहीं चढ़े, किराए पर बढ़िया बना रखे देखिए। ये हम तोरंदा पहुंच चुके हैं, 2 मिनट का रास्ता था, शॉर्टकट मार के आए हैं। और नवीन गौर वो कहाँ है? गोविंद भाई यही बोल रहा था, कहाँ है? देखिए एक बार, आंखें खुली हुई है, कैमरे खुले हुए हैं। अरे कैमरे तो खुले हुए हैं, जिले के पैदल जाने वाले व्यक्ति पैदल जाने वाले व्यक्ति या एक शादी भी हो रही है? शादी नहीं हो रही भाई, शादी होने का। तेरे को शादी लगती है? कॉल करो। ये देखो काटू सामने दे, बाबा तनु की गीतियाँ थी कैमरे में देख कर कैमरे। सो गाइस जिस काम के लिए हम आए थे वो ये, यहाँ पे प्लॉट लिया है इन फ्यूचर होटल्स रूम वगैरह बनाने के लिए। ये लोकेशन रही ना, ये भी बन रहे हैं यहाँ पे। पहाड़ देखो दूर तक अभी खाली है, मेन जीटी रोड की लगती है ना, हर्ष पहाड़ यहाँ पे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपना आप करते रहो जैसे जो बात करनी है। अरे कहते गंडी भी आ रही है। क्या आ रही है? गंडी आगे देख, कौन आ रही है? गंडी आगे, चलो निकलो। क्या चीज, क्या हुआ? इतनी पीछे है, चल पड़ते हैं, गाड़ी तो जाएगी नहीं वहाँ।
चलो ये ज़्यादा डीपली नहीं हो गया? अरे इनको बुला, इनको सारे, अरे इनको ही बुला, आएगा नहीं ये, आलस मान रहा है, चल नहीं सकता ना यार। तो अभी हमने जहाँ पे प्लॉट लिया है उसकी रजिस्ट्री करवाने आए हैं। ये राजस्थान का तहसील है कोर्ट, और कुणाल यहाँ धो रहा है मुँह, यहाँ भी चैन नहीं है। और लुगाई लुगाई ओ लेट समझा है, कहीं तो रुक जा। ये यहाँ की तहसील ऐसी है जैसे अपने वहाँ पे, मतलब कि दिल्ली हरियाणा साइड में कुछ साल पहले होया करती थी, कोई प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे, सब पुराने ज़माने जैसा है, प्रोग्रेस नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। है कुणाल, पुराने ज़माने के लोग फॉर्चुनर ले रहे हैं और कैसे इतने। हाँ तो भाई ये कहीं बाहर के हैं, लुक अभी भी छोटी है, जल्दी दो। ओ भाई नहा लेना यहाँ है, वीडियो गिर रहा है के? ना नहा ले, तारों के लगते नहा ले ही, अब तेरी है सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। बंद कर भाई, पानी वेस्ट मत कर, जब लेगा तो बंद करियो। अरे कुणाल तीन बार दिन में टट्टी जा चुका है और चौथी बार फिर ढूंढ रहा है, पर यहाँ तहसील में कहीं वॉशरूम नहीं है। आगे जी। हाँ जी, बहुत मतलब कि कोर्ट में यार जो काम होते हैं ना, इतने परेशानी वाले हैं ना, कभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ये निकलवाओ, परेशान कर दिया सबसे। बोलो क्या हुआ? क्यों इन्हीं को करनी है? इन्हीं को करनी है, कंपनी में करनी है जैसे करते हैं। आ जाना, भागता आता है इतना सारा पैसा। अभी एक घंटा और लगेगा फोटो वगैरह खिंचवाने गए, जो रजिस्ट्री पे लगेंगे फोटो, पता नहीं कहाँ। यहाँ तो हाँ, अरे उसमें गाड़ी में जगह ही नहीं थी, भगा दिया मेरे को। कोई ना, तेरी कीमत ही नहीं है, वैल्यू नहीं है यार। कुछ दे दो। सो भाई अभी हम जिस जगह पे हैं, इस एरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहाने के लिए सब कुछ मॉल का पानी आता है, खरीद के लाना पड़ता है सब कुछ। कौन सा गांव अंकल ये? पलसाना है ना, पलसाना गांव राजस्थान में। पलसाना गांव राजस्थान में जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, नहाने के लिए मॉल का पानी आता है, भाई खरीद के लाना पड़ता है टैंकर। या मॉल का पानी आता है राजस्थान में, कैसे गुजारा करते हैं? गुजारा आदत होगी, आदत हमारे बस की तो है नहीं। यहाँ दो दिन भी रुकना है ना, यहाँ 20 लीटर पानी 80 रुपए का है। मोटर खराब हो गया था, चार्ज में मोटर नहीं गया है। अच्छा, चार दिन मोटर नहीं गया, परेशान हो गया था, और पानी दौड़ो पड़ोसी से ले गए पानी, कैसे जबकि पड़ोसी में जाकर पाइप लगाना, पाइप है। अब हद ही हो गया यार, माना कि यहाँ पे पानी नहीं है पर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है कहीं पे, इतनी गर्मी हो रही है और फिर भी हम चले जा रहे हैं कोक पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक तो कहीं और से सप्लाई होती है भाई, यहाँ थोड़ा बनाएंगे कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक तो होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होने का, यहाँ गर्मी में हम कमजोर हो गए हैं। हमने तो माना, हमने माना कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हाँ यहाँ सरकार भी तो कांग्रेस की है, इतना भी गिरी हुई सरकार नहीं है। राहुल गांधी गिरी हुई है, प्रोग्रेस कर दिया, मान गए, प्रोग्रेस ही नहीं है बिल्कुल भी। बराबर है, दुकान कहाँ है और आ गया है, पलसाना गांव। चलो आगे बराबर तुम होगा जी, बस से आए थे ना, तो हमें खूब याद है अंदर से। बस का यहाँ से है? हाँ हाँ। फिर यहाँ से आपको दोबारा पकड़नी पड़ती होगी वहाँ के लिए। यहाँ से वैन वगैरह नीचे से ना, अंडरग्राउंड से ऊपर होता है, ऊपर कोने पर रुके थे, हमें खुद पता है। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया रूट ना यहाँ का, उसको ट्रेन का लगा ना, ट्रेन का, हाँ ट्रेन का है सबसे बेस्ट। वहाँ से फिर 70 किलोमीटर पैदल जाओ, अपना कैसे भी जाओ, क्या कहते हैं कुणाल का पैर सूज गया। 17 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अभी यहाँ पहुँचे हैं, पूरी मेहनत करके। ये हम राजस्थान की
अंडरपास जिम में आए हैं अपन खाने का ना दिखाना है इधर सर थोड़ा सा दिखाओ इधर 250 ग्राम सर इसमें कुछ है नहीं सर देखो ये इतना सा दिया इसने भुखमरी है यहाँ भुखमरी चल रही है 10 रुपये गिफ्ट आज काम चला सो गाइस जितना भी पेपर वर्क था कोर्ट से सब कुछ हो चुका है अभी हम कोर्ट से आ रहे हैं और अभी शाम के बज रहे हैं 4 मतलब कोर्ट में जितने जब भी जाते हैं टाइम लग ही जाता है और अभी जा रहे हैं घर 50 किलोमीटर हमने कवर कर लिया और कितना हो गया 20 किलोमीटर सारा है 20 ही आए बस एक घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ 5 किलोमीटर इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ मैं आज के चले अरे भी अब हम चलाएं नहीं चलो हमने जाना 300 किलोमीटर पागल उसकी मत सुनो ब्रेक के बाद मिलते हैं नहीं मेरे को लगा कि उतना 50 आ गया नहीं होता रास्ता रहता है चलो 20 किलोमीटर आ गया बोलता रहेगा ये आप लोग ज्यादा मत सुनिए है कितना 300 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर कवर हुआ अभी बस और अभी गाड़ी CNG करते है अरे लो होगी तो अभी बंद कर दिया अभी मेरे को लगा 50 किलोमीटर आगे 50 और चला के तेरे लगने से क्या होता है सुनो तो चोरी के भारे मरता है नहीं नहीं चालू है मैंने सोचा 50 किलोमीटर आगे तूने सोचा ही सुनो तो 50 किलोमीटर और जाने के बाद सोच लिया कुछ खा के फिर मैं पीछे चल जाऊंगा फिर वैसे बात बताऊं मैंने 50 किलोमीटर क्यों बोला है क्योंकि 100 किलोमीटर का टारगेट 100 किलोमीटर चलाने के बाद मैं पीछे जाके आराम से सोऊंगा इसलिए मैंने 50 बोल दूं घंटा हमने कल रात को नहीं सोने दिया आज क्या सुन देंगे थोड़ी देर घंटा सोने देना के सहारे ओए खाटे के बदले तक किशोर सुनाई दिया मेरे को ओए गोविंद को छोड़ के जाना कहीं छोड़ दो उसको वीडियो के चक्कर में नहीं रोक रोक से पहले वीडियो बंद कहां गोविंद चल 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 अरे भाई ऊंट के ऊपर बैठ के बना ले जा जा बैठ के बनाता कुणाल बोल रहे हैं ऊंट के साथ मेरे स्लोमो बना ले बढ़िया बनेगी पता नहीं कितना तो है लेकिन आप जो कट मार रहे हो ना आप दूसरी साइड में जाके गाड़ी एक बड़ा बड़ा पता भी चलेगा सामने से रात को रात गई बात आया ये गांव है देखो आवाज भी नहीं आ रही ना बंदा ना बंदे की जात सारे घर बंद पड़े हैं देखो मोर ओ मोर 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 बच्चा है सोर यहाँ जाके मेरे को दिखाया एक बंदा ही है और एक पीछे बैठे थे बस वो पूरे गांव में बंदे ही नहीं है पूरे गांव में एक फर्जून के दुकान है 16 साले मूवी तो नहीं है यहाँ तो नहीं बन रहे हैं राइट लेफ्ट राइट राइट है असला बारूद पूरा चल रहा है असला बारूद नहीं दिखाना वीडियो में अरे काट देंगे इसे तो हम ये देखो पूरा गांव सुनसान है बिल्कुल इस गांव में भैंस के देख उसके भी बीमारी है यार देख भैंस के देख इस गांव में हां देख हो जाए हो जाए वे मई पार्ट बोलियो में घूम रहे तो ना बड़े बड़े ब्लैक थार खड़ी है आगे देखना ये दो ब्लैक थार है देख ब्लैक थार
क्या करूँ बताओ भाई, 10-12 किलोमीटर है इसी लाइन में। लेफ्ट में, लेफ्ट में। सो गाइस, अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और अभी आधा रास्ता बाकी रहता है। आधे रास्ते मैंने गाड़ी चलाई है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं पीछे आ गया। और अभी हम रुके हैं बीकानेर पे कुछ खाने के लिए, अभी हल्का फुल्का खा रहे हैं और रात का डिनर हम घर ही करेंगे क्योंकि 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और बाहर का खा खा के तो परेशान ही हो गए, घर की रोटी खाए 2 दिन हो गए। और ये रहा बीकानेर, अभी हमने थोड़ा फास्ट फूड ऑर्डर किया है, चाउमीन बर्गर वो खाते हैं। गोविंद भाई आ गए, गोविंद भाई क्या हो गया? टाइम पास हो नहीं रहा था, मजे ले रहे हैं। मेरी बारी है। बोतल होती ना पर नहीं। मेरी बारी कब आएगी? रात को, रात को। टाइम पास नहीं हो रहा है तो इसलिए हम मजे ले रहे हैं, 30 स्टॉल पे बैठे हैं। तो अब अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए। हमारी कार लास्ट में सुनी क्या बर्बाद हो रहा है उससे सेन जी। हाँ, चाय पी के निकलते हैं सीधा कैंपिंग। आधा दे दो, आधा दे दो, एक मिनट बाद बोलता नहीं मिलता। वीडियो रोक के बोल दिया है ना, गोविंद भाई कह रहे हैं कुछ कुछ और एक सामने रखिए सब कुछ, सब कुछ है। खा रहे ले लिए खाली रह, खाली रह पड़ जाएंगे बोरा दिखाएंगे कुछ कुछ, ये नमकीन है कुछ कुछ, ये नमकीन है सब कुछ सब कुछ। क्या सोच के बनाती है कंपनी ना? ये चाय है 15 रुपया, 15 की है, 20 की है उसमें। और अभी कैंप पे चढ़ने वाले हैं सीधा जाकर रुके, और मैं जाके सोऊंगा। क्या गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा ये बोल? गाड़ी मेरा भाई चलाएगा। और मैं सोऊंगा पीछे में तो आराम से। अब की बार कितने किलोमीटर रह गया? 100 किलोमीटर रह गया, 150 तो मैंने कवर कर दी थी, 100 करी थी, 150 मैंने कवर कर दी थी, 100 आपने कर दी, 100 रह गया, 350 करी था, कुछ हम आगे भी घूम के गए थे ना। 100 आप चला लो ना, बस आप चलाओ। सो गाइस, अभी रात के 1 बज चुके हैं और अब जाके हम पहुँचे हैं अभी घर के सामने ही, हम रोड पे पेट्रोल पंप पे। और अभी फ़िलहाल व्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं पीछे सो गया था गाड़ी में। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।